सिवनी जिले के लखनादौन में थाना अंतर्गत ग्राम मढ़ी से लगाकर गुजर खमरिया चौराहे तक कंक्रीट सड़क की मांग को लेकर आज समस्त छात्र छात्राओं ने सीएम के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन के आला अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि बरसात के दिनों में मढ़ी रोड पर गहरी दलदल नुमा कीचड़ होने के कारण चलना भी मुश्किल हो जाता है और ये बात क्षेत्रीय विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी मालूम है। इसके बाद आज तक कोई भी कार्यवाही न करना शासन प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। इसके तहत ही क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वो आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हम जिस स्कूल में जाते हैं मतलब पढ़ने के लिए, वहाँ से हम जिस सड़क से जाते हैं वो बहुत ही खराब है। हम उस सड़क से आ जा नहीं सकते, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा फीसल, उससे हम जा नहीं सकते। बारिश होने के कारण दलदल होता है जिसके कारण हम जा नहीं पाते, फिसल जाते हैं, बैग गिर जाते हैं, जिसके कारण हम मतलब कि हम बह रहे थे तो किसी ने हमको मतलब पकड़ के निकाला। हमारी समस्या सड़क है जिसके कारण हम स्कूल जाने आने में असमर्थ हो जाते हैं और हम बहुत से अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं, हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समस्या आती जाती हैं। हम रास्ते में जब भी जाते हैं कुछ समय ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी नाला आ जाता है जिसमें हमारे बहने का खतरा रहता है, और कुछ लोग तो ऐसा हुआ कई बार हमारे साथ, हमारी कुछ बहनें जो हैं एक बार एक बहन के हाथों में ही लग गया, एक बच्चे का सिर में यहाँ पे लग गई। सड़क के कारण में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आज समस्त हमारे मीडिया भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज आप हमारे क्षेत्र के दुख दर्द को जानने के लिए हमारे बीच में है। 15 से 20 साल हो गए आदरणीय भाई बंधुओं कि हम उस रोड के लिए सांसद विधायक मुख्यमंत्री पता नहीं हमारे आदिवासी सहायक आयुक्त महोदय सबको हम आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मिट्टी मुरम तक का काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं, साथ में समस्त छात्र छात्राएं भी हैं, क्षेत्रीय जन हैं, और हम इस मुकाम में पहुंचे हैं कि अगर हमारा ये कार्रवाई अब नहीं होती तो हम अनशन करने के लिए विवश होंगे। मैं एक रोड के संबंध में कुछ समस्या लेकर आए तो इसका परीक्षण करेंगे। अभी सर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंप, तो ये इनके बच्चों की समस्या है कितने जल्दी सॉल्व करती है, इसको परीक्षण करके उचित सुझाव देके हम आगे पहुँचेंगे।